Hello everyone, welcome to our channel Padhe India. My name is Prashant Chandra. First, I will give you a short information about myself. I have given UPSC IAS mains and UPPCS mains and qualified prelim exam with very good score many times. I have a very vast experience in UPSC examination and state PCS also, especially UPPCS. We have developed a website named padheindia.com where you can solve test series for various competitive examination. Currently, we had made IS prelims test and UPPCS prelims test.

अभी मैं शेड्यूल्स आज पढ़ाने जा रहा हूँ ये शेड्यूल्स ठीक है ये शेड्यूल्स पढ़ाने जा रहा हूँ शेड्यूल्स क्या होता है शेड्यूल्स का ट्रिक क्या होता है कैसे लोग रटते हैं क्योंकि शेड्यूल हमेशा एक या दो क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में चाहे वो यू हो चाहे वो पी हो इवन एस हो बैंक भी हो किसी में हो वो शेड्यूल का पूछते ही पूछते हैं शेड्यूल्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि शेड्यूल एक प्रकार से एनेक्शर है ठीक है अपेंडिक्स कहते हैं उसको जो किताबों में होता है ना पीछे शॉर्ट फॉर्म है तो आज हम लोग ट्रिक देखेंगे कि शेड्यूल्स को कैसे रटा जाए क्योंकि इसका कोई चारा नहीं रटने के अलावा शेड्यूल्स को आपको रट्टाफिकेशन करना ही करना है हमेशा क्वेश्चन आता है यूपीएससी EPC और पी में हमेशा पूछते ही पूछते हैं ठीक है तो आज हम देखेंगे व्हाट इज शेड्यूल ठीक है इसके पहले मैंने आपको प्रेम्बल करवाया तो इसी इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट वन मैंने करा दिया है पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर फिर अंटिल जितने पार्ट हैं हम लोग उसके आगे फॉलो ऑन करेंगे ठीक है चलिए तो शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद ट्रिक मैं आज बताने जा रहा हूँ देखिए शेड्यूल्स है क्या देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब उसमें आठ शेड्यूल रखे गए थे ओरिजिनली ओरिजिनली कितने थे ओरिजिनली वी हैव ये भी कभी क्वेश्चन आता है हमारे पास आठ शेड्यूल थे ठीक है फिर हमने उसके बाद अमेंडमेंट किया फिर हमने अभी टोटल कितने अभी टोटल कितने हैं हमारे पास बारह शेड्यूल्व शेड्यूल्स ओके

अब हम पहला शेड्यूल देखेंगे ये ट्रिक है यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ इस ट्रिक को मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा कि ट्रिक को कैसे रिमेंबर करना है ठीक फट है फटाफट मैं दे बता देता तो हूँ आपको मैं बताता चलूंगा कि कौन सा अच्छा शेड। इंपॉर्टेंट शेड्यूल है कौन सा आ सकता है और कौन सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो नहीं ज्यादा लेकिन इंपॉर्टेंट तो खैर सभी है लेकिन मोस्टली कौन सा यूपीएससी और पीसीएस में एस में Uh, कौन सा पूछता है ठीक है देखिए फर्स्ट शेड्यूल वेज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट शेड्यूल में क्या है सिर्फ स्टेट के बारे में बताया गया और इंडिया का टेरिटोरियल जुर के बारे में बताया गया उसमें बताया गया कि इंडिया में यूनियन टेरिटरीज क्या क्या है स्टेट्स क्या, क्या क्या उसका जोरिस्टन कहां है और उसका एक्सटेंड कहां का है तो फर्स्ट शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट तो यहाँ फर्स्ट शेड्यूल हो गया ठीक है तो आपको समय आ गया वेरी इंपॉर्टेंट पहला जो है टेरिटोरियल के ऊपर है सेकंड शेड्यूल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट देखिए मैंने दो मार्च दो स्टार लगाया दो सेकंड शेड्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें इन्वॉल्वेंट की बात की है अलाउंसेस की बात की है और प्रिविलेज की बात की है कुछ लोगों की बात की गई ठीक है, है? आठ नौ लोग हैं नौ लोग टोटल हैं जिनमें इनमें उनका प्रिवलेजेस की बात की गई है ठीक है इसका मैं शॉर्ट ट्रिक जो नाइन है इसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको अभी बताऊंगा लास्ट में ठीक है तो जल्दी हैं सेकंड शेड्यूल में क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है गवर्नर ऑफ स्टेट्स गवर्नर ऑफ स्टेट्स है ठीक है थीके? और डिप्टी स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा अब देखिए अभी इसी तरह जब लोकसभा का स्टेट्स का भी होगा स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ स्टेट देखिए यहां से यहां बच्चों को सबसे ज्यादा क्या कंफ्यूजन होता है कि वो चेयरमैन और देखिए आपको पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वही चेयरमैन होता है राज्यसभा का आपको भी पता होगा आपने पढ़ा होगा ठीक है तो हम लोग आगे भी इसको पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का कोई मेंशन नहीं आप है आप याद रखिए कि यूपीएससी हमेशा वाइस प्रेसिडेंट का कोई मेंशन नहीं है सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन का मेंशन है ये देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन का मंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये हर बार बच्चे गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं ठीक है थीके? इसी तरह देखिए जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है तो ऑफ कोर्स जजेस ऑफ हाई कोर्ट इसमें कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात नहीं की गई है ठीक है सेकेंड शेड्यूल में ठीक है उसी तरह कैग की बात की गई कैग है जो कैग कैगे ऐसा अकेला इंस्टीट्यूट है जो क्या कहते हैं इस शेड्यूल में है इलेक्शन कमीशन नहीं है ये बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज इवन मेरे को भी कंफ्यूजन होता जब मैं पहली बार तैयारी करना चालू किया था तो इलेक्शन कमीशन कभी कभी लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी सेकेंड शेड्यूल में बट ऐसा नहीं है ओनली वन इंस्टीट्यूशन है क्या है ओनली कैग दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ठीक है तो आपको पता चल गया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लोकसभा राज्यसभा लोक लेजिस्लेटिव काउंसिल उसमें क्या चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ओनली चेयरमैन नॉट वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा ठीक है गवर्नर और प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट गवर्नर मतलब जो, जो राज्य का मुखिया है वो दोनों है जो जज हैं जो सेंट्रल जज है जो फेडरल कोर्ट है उनका और जो सुप्रीम कोर्ट है उनका जज हैं और स्पीकर डिप्टी स्पीकर हैं चेयरमैन है ठीक है थीके? ये आप हमेशा इसको रिमेंबर रखिएगा ठीक है इसको मैं रब कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली और पॉज करके आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो आपको और समय आ जाएगा ठीक है ठीक है चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं हाँ अब थर्ड शेड्यूल में आ जाइए थर्ड शेड्यूल में क्या है ओथ एंड है मतलब कि कोई ओथ जो लेते हैं कौन कौन से ओथ लेते हैं उनका है देखिए

स्टेट भी मतलब कि जो बड़ा छोटा दोनों है मतलब राजसभा का राज्य का भी है और सेंट्रल का भी तो आप ऐसे ही डिफरशियट करके पढ़ सकते हैं नौ लोग थे ठीक यहाँ नौ लोग थे यहाँ नौ, नौ लोग थे आपको ऐसे रटना है मतलब सेकंड शेड्यूल में भी नौ लोग हैं और थर्ड शेड्यूल में भी नौ लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है ठीक है चलिए इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि आपको

फिफ्थ शेड्यूल में क्या है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब से एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है यहां मैं आपको बता दूं कि फिफ्थ शेड्यूल में देखिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है ओके इसको मैं बताऊंगा ठीक है सिक्स शेड्यूल में क्या है कि प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज इन स्टेट्स ऑफ आसम मेघालय त्रिपुरा मणिपुर तो इसको हम कैसे रटेंगे ए एम और टीएम ऐसे मैंने तो ऐसे रटा था, था। देखिये मेघालय ऊपर है यहाँ नीचे आसाम है तो अगल बगल है इधर जो आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न यहाँ आपका क्या कहते हैं त्रिपुरा हो जाएगा उधर जो है मिजो, मिजोरम हो जाएगा ठीक है चलिए मैं आपको नॉर्थ ईस्टर्न का बना देता हूँ मैं आप जल्दी से फटाफट ये देखिए यहाँ थोड़ा सा रफली बनाऊंगा मैं यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश है ये मान लीजिए मिजोरम है त्रिपुरा हो गया ये आसाम ठीक है ये ये मेघालय ले, ले लीजिए ये आसाम हो गया ये जो आपका त्रिपुरा हो गया ये जो है आपका क्या कहते हैं मिज़ोरम हो गया ठीक है ऊपर मणिपुर है ये अरुणाचल अनुरा, प्रदेश है ठीक है तो ये नॉर्थ ईस्टर्न का है तो उसमें सिर्फ सिर्फ चार स्टेट है सिक्स शेड्यूल में ठीक है सेवन शेड्यूल में आपको पता है लिस्ट के बारे में बताया गया यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्क्रेंट लिस्ट इसके अंदर लिस्ट में जाने की जरूरत नहीं है आपको ये पता होना चाहिए कि ये of, ये कि नंबर ऑफ लिस्ट 97 है कि 52 है है 52 61 इसके अंदर इंपॉर्टेंट एजुकेशन हो गया लेबर हो गया फॉरेस्ट हो गया एनवायरमेंट हो गया ये सब चीजें जो है आपको थोड़ा थोड़ा आप इसको बुक में जाके रट लीजिएगा ठीक है सेवन शेड्यूल में क्या है स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट ठीक है एथ शेड्यूल में क्या ऑफ कोर्स लैंग्वेज ये ये अच्छे से रट लीजिए क्योंकि लैंग्वेज के बारे में हमेशा आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल तो देखिए चार शेड्यूल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है? है पहले बाईस लैंग्वेज अभी बाईस लैंग्वेज है पहले कितने ओरिजिनली कितने था चौदह ठीक है आसामी बंगाली बोडो डोगरी, गुजराती हिंदी कन्नड़ कश्मीरी कोंकणी मैथिली मलयालम मणिपुरी मराठी नेपाली ओरिया पंजाबी सो एंड सो फोर्थ ठीक है तो ये कहाँ से देखिए सिंधी जो ऐड किया गया ये क्वेश्चन आ जाता है ट्वेंटी तो फर्स्ट अमेंडमेंट नाइनटीन सिक्सटी सेवन में ये आपको तब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है आपको तभी रटेगा जब इसको आप Again and again, again and again, इसको करेंगे ठीक है। सिंधी कब ऐड हुआ था 1967 में वैसे ही कौन का नहीं मणिपुरी नेपाली के लिए ऐड हुआ था आपको बता दूं कि करना पड़ेगा अगर किसी लैंग्वेज को ऐड करना है किसी कहते हैं है, तो हमको अमेंडमेंट करना पड़ेगा ठीक है डोंगरी मैथिली संथली जो है वो नाइनटी अमेंडमेंट दो और तीन में ऐड हुआ था ठीक है नाइन्थ शेड्यूल देखिए नाइन्थ शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें लैंड रिफॉर्म्स आया था जमींदारी को अबॉलिश किया गया था ठीक है इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से टेंथ शेड्यूल हमें यूपीएससी में पूछा गया दो हजार तेरह में क्वेश्चन आया था यूपीएससी में यह बहुत इंपॉर्टेंट है हर यूपीएससी हर बार पूछता है टेंथ शेड्यूल किससे रिलेटेड है आपको एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड ठीक रिलेटे तो रिलेटे है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड देखिए तो टेंथ शेड्यूल किससे रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ से आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताऊंगा आगे जो क्या कहते हैं डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेटक्फाइड कैसे करना है उसके बारे में बताया गया ठीक है पूरा चलिए हम आगे बढ़ते हैं अलेवेंथ हाँ। शेड्यूल ठीक है शेड्यूल में क्या दिया गया है देखिए अलेवंथ और तो ट्वेल्थ बहुत ही शेड्यूल है आपको आराम से रट जाएगा अलेवेंथ तो में क्या है पंचायत के बारे में बताया गया उसमें ट्वेंटी मैटर्स के बारे में बताया गया है वो सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन में बताया गया है और ट्वेल्थ शेड्यूल जो है वो म्यूनिपाली से देखिए म्यूनिस्पाली से रिलेटेड है अलेवेंथ शेड्यूल पंचायत से रिलेटेड ठीक है इसमें अठारह मैटर है उसमें ट्वेंटी नाइन मैटर ये आप रट लीजिए बहुत ईजी है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है तो कितने सारे इंपॉर्टेंट हो गए एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ शेड्यूल इंपॉर्टेंट है टेंथ शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है एथ शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ भी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है बट थर्ड एंड सेकेंड शेड्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए तो मैंने आपको बता दिया नौ यहाँ पे है नौ एक सेकेंड शेड्यूल में और नौ जो है थर्ड शेड्यूल में तो आपको ये रट्टा लगा लेना है ठीक है चलिए मैं आपको बता दूं कि अब ट्रिक क्या है इसकी रिमेम्बर करने की टीयर्स देखिए यहां लिखा हुआ है ना टीयर्स ऑफ ये देखिए ऑफ ओल्ड पीएम प्राइम मिनिस्टर आंसू पुराने पीएम के ठीक है टीयर्स देखिए टीयर्स मतलब क्या हुआ आंसू ऑफ देखिए ऑफ ओल्ड बुड्ढे पीएम प्राइम मिनिस्टर ठीक है तो टीयर्स में टी सबसे पहले आता है तो यहां पे मैं लिख भी धो रहा हूं टीयर्स मतलब टी के यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल है ई e जो है सेकेंड शेड्यूल है ए जो है थर्ड शेड्यूल है ये फोर्थ शेड्यूल हो गया फाइव शेड्यूल हो गया इसमें पांच वर्ड है देखिए तो tiers हो तो हो गए पांच वर्ड का बना फर्स्ट शेड्यूल 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 थर्ड फाइव ठीक है अब ये ओ जो है वो सिक्स शेड्यूल हो गया ठीक है एफ जो है वो सेवन शेड्यूल हो गया फिर से जो ओ है ये एट शेड्यूल हो गया ये नाइन हो गया ये टेन हो गया ये देखिए पंचायत का मैंने अलेवन बताया था और ये ट्वेल्थ शेड्यूल बताया था तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ठीक है टीयर आपको बता दू फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है टेरिटरी आती है सेकंड में क्या आता है आते हैं अब देखिए में आपको बता दूं कि कैसे इसको ट्रिक रटना कैसे देखिए प्रेसिडेंट है, है पीजी है ये पीजी मैं अभी सेकंड शेड्यूल की बात कर रहा हूं ठीक है सेकंड शेड्यूल की ये मैं पूरा रब कर देता हूं आपको फिर आपको और शय समझ में आएगा ठीक है चलिए हाँ तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब कि पीजी ये दोनों पीजी हो गया पीजी में कोई रहता है ठीक है फिर देखिए स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयरमैन है डिप्टी चेयरमैन लोकसभा तो ये पार्लियामेंट के लिए तो ये इसको एस ले लिए मतलब सुप्रीम कोर्ट फिर पर देखिए एस सी आ जाएगा क्या स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ इलेक्ट्रेल काउंसिल ऑफ स्टेट तो यहाँ एस आ गया ठीक है फिर यहाँ पे क्या जे स्क्वायर ठीक है तो इमेंट्स में जो सेकंड शेड्यूल कैसे रेटेंगे पीजी ठीक है एस का स्क्वायर और जे का स्क्वायर देखिए कितना आसान हो गया ये देखिए इसको प्लीज आप नोट कर लीजिए ऐसा ही आप रिमेंबर करिएगा ठीक है पीजी मतलब पी क्या हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी क्या हो गया जी क्या हो गया गवर्नर पी क्या हो गया प्रेसिडेंट जी हो गया गवर्नर एस क्या होगा क्या क्या हो गया स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा और क्या कहते हैं चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जे का क्या हो गया मतलब कि राज्यसभा और स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ़ मतलब कि लोकसभा राज्यसभा के दोनों और स्पीकर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन एंड डिप्टी स्पीकर और स्टेट्स का भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन तो जे का क्या हो जाएगा जे स्क्वायर ठीक है जजेस ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसी तरह तरहेशन एंड यूथ उसमें भी सिर्फ नौ लोग है, कहते है? हैं और कैग है ठीक है तो नौ लोग है। इसमें भी एक ऐसा इसमें, इसमें है, है? इंस्टीट्यूशन है जो सब में एड है नौ में से कैग ही एक कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ठीक है और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, आप प्लीज इसको रिमेंबर करिए ठीक है अच्छे से पढ़िए ठीक है चलिए अब देखिए आर फोर्थ शेड्यूल में क्या है राज्यसभा का क्या एलोकेशन है क्या कहते हैं एलोकेशन कितनी सीट है राज्यसभा में इसका ये एलोकेट करता है ठीक है फाइव में शेड्यूल एरियाज है ठीक है फाइव फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल में अदर देन शेड्यूल एरियाज क्या मेघालय त्रिपुरा मिजोरम तो मैंने कैसे रटा था ए एम और टीएम आसाम मेघालय एक साथ साथ त्रिपुरा एंड मिजोरम एक साथ साथ मतलब कि ए एम टीएम ठीक है चलिए सेवेंथ में क्या हो गया फेडरल स्ट्रक्चर है थ्री लिस्ट है, है यू, यूनियन है यूनियन है स्टेट एंड कॉन्करेंट है यूएससी ठीक है एथ में क्या है बहुत इजी है क्या कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज है ठीक है नाइन्थ uh, में क्या बहुत इजी है ये लैंड रिफॉर्म्स है एंटी डिफेक्शन लॉ टेंथ शेड्यूल में ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है और अलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में क्या है पंचायती का पंचायत का है और म्यूनिसपालिटी का है ठीक है इसमें क्या कहते हैं ट्वेंटी है लिस्ट और इसमें अठारह है ठीक है तो गाइज़ ऐसे ही रटना आपको बहुत ही इजी है अगर इसको बार बार पढ़ेंगे बार बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा प्लीज़ इस ट्रिक को फॉरवर्ड करिए शेयर करिए एंड सबको बताइए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और जो ये मैंने एक्स्ट्रा ट्रिक बताई आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाइन एंड नाइन इधर ठीक है सो गाइज प्लीज़ पढ़े इंडिया डॉट कॉम में जाइए पढ़े इंडिया डॉट कॉम में जाइए वहां पे फ्री कुछ टेस्ट फ्री है कुछ बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में हमने अभी यूपीएससी के लिए यूपीएससी 2020 के लिए और पीसीएस 2020 के लिए हमने बनाया है प्लीज़ बहुत नॉमिनल कॉस्ट में जाइए इसको सब्सक्राइब करिए लॉग इन करिए और टेस्ट लगाइए टेस्ट बहुत ही क्लोज है यूपीएससी और पीसीएस के तो प्लीज़ इस चैनल को अगर अच्छा लगा तो शेयर करिए फॉरवर्ड करिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने में ठीक है सो गाय स्टे सेफ स्टे होम एंड गॉड ब्लेस यू थैंक यू